नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी एएसआई वालों के लिए जो डीवी पीएसटी का नोटिस आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है, इसमें ऐसा कुछ अभी बताया नहीं गया है कि कितने गुने बुलाए जाएंगे, ठीक है, और ना ही कोई डेट डिक्लेयर की गई है, लेकिन डीवी पीएसटी में क्या क्या ज़रूरी है, कौन सी समितियाँ आपकी गठित होंगी उसकी डीवी पीएसटी के लिए, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। लेकिन नोटिस इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें आ रही हैं यूपी पीआरपीबी के द्वारा, तो ये कहा जा सकता है कि ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और सेकेंड वीक में कहीं ना कहीं डीवी पीएसटी का शेड्यूल कर दिया जाएगा आपको। तो आप लोग डीवी के लिए और पीएसटी के लिए एकदम तैयार रहें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं इधर उधर हों उसको इकट्ठा कर लें और जो जो मैंने डीवी पीएसटी में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसको एक सिक्वेंस में लगा के तैयार रखें। तो देखें नोटिस में क्या है, नोटिस में ऐसा कुछ है नहीं बताया गया कि बच्चे अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि यहाँ पर श्रेष्ठता के आधार पर बुलाया जाएगा, मतलब मेरिट के बेसिस पर, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो हर जगह यही लिखा रहता है कि श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सर आपको एक जो भी उनका होगा 10,000 या 12,000, तो ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो आपका हो सकता है कि लिस्ट वाइज बुलाएं, एक बार लिस्ट जनरेट करें फिर दूसरी बार लिस्ट जनरेट करें, या हो सकता है जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको बुला लिया जाए। तो ये दो पॉसिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें बोला गया कि परीक्षण समिति के द्वारा संपन्न कराया जाएगा, एक समिति गठित की जाएगी, उसमें कौन कौन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है। तो उसको ध्यान से देखो, जैसे पहला समिति होगा एक, उसमें क्या है, उसमें बोला जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। जो डिप्टी कलेक्टर होगा वो क्या होगा, उस समिति का एक अध्यक्ष होगा। जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्देशित कोई पुलिस उपाधीक्षक होगा इसमें एक, और जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी, मतलब कि स्टेट ऑफिसर जो होगा उस समिति का होगा। तो ये तीन चीजें उसमें होंगी। उसके बाद से बताया जा रहा है कि आपका जो भी अभिलेख है, ठीक है, और ये भी बताया गया है कि आपके जो शासनादेश था उसके अनुसार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों के लिए भी उस दल में कोई ना कोई उनका प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। ये सब चीजें आप नोटिस में पढ़ सकते हो। जो मेन बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको फोकस में लाना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट्स है, मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र के उपलब्ध कराई गई सूचना, मतलब जो नोटिफिकेशन था आपका उसमें जो भी आपका बोला गया था, जो भी चीजें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, सेम वही होना चाहिए और जो आपने अपलोड किया। अब यहां पर कुछ बच्चों के डाउट थे, अभी क्लियर हो जाएगा कि कह रहे थे कि सर मैंने गलती से दूसरा अपलोड कर दिया, मेरे पास ये है। किसी ने कहा मेरा ट्रिपल सी अपलोड हो गया है, साइबर कैफे वाले ने कर दिया, मेरे पास ADCA है, तो उनके साथ दिक्कत हो सकती है। वहां पर लिखा गया है कि जो सूचना आपने उपलब्ध कराया और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसी को मिलान करते हुए प्रमाण पत्रों का जो है जांच किया जाएगा। तो ये मैंने एक कंडीशन बताई थी कि आप, हो सकता है चलो गलती का एक अफिडेविट बना लेना, लेकिन 100% ये मैं सही नहीं बोल रहा हूं कि वहां पे आपको कंसीडर किया जाएगा। चांसेस ये भी है कि आपको कंसीडर ना किया जाए अगर आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट जो है, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान बोर्ड किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर, कोई भी चीज जो ये बोर्ड में तीनों लोग हैं, तीनों का खग आपका पॉइंट जो है उसमें अगर कोई भी ऐसी संज्ञान चीजें आती हैं तो उस पर जो है बोर्ड के नजरिया जाएगा और बोर्ड का जो एक तरह से बोला जाए फाइनल डिसीजन होगा वही मान्य होगा। नेक्स्ट आपका पांचवा पॉइंट जो बोला गया, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, समीक्षा के पश्चात या तो उसी टाइम या उसके बाद या आपका चयन भी हो जाता है, ठीक है, और किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल संवित, गलत या कुटरवित पाए जाने की दिशा में, मतलब किसी भी हालत में अगर वो फेक, गलत, कुछ भी उसमें गलत होता है आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपके उस टाइम जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या उसके पश्चात, या आप सेलेक्ट हो चुके हो, ऐसी कंडीशन देखा गया है कई विभागों में, तो ऐसे में अगर आपके कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में गलती या फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो आपके साथ बोर्ड बहुत सख्ती के साथ पेश आएगा, मतलब आपकी जिंदगी को नरक बना देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा एक यही संदेश है कि अगर आप फर्जी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो तो ये जान लेना कि बोर्ड के नजरिए से कोई बच नहीं सकता है,
कि जो भी रियल वाले हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्जी वाले आज नहीं तो कल आपके साथ दिक्कत खड़ा होगी। तो ये आप लोग सोच विचार कर लेना, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आपकी ज़िंदगी वो नरक बना देगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो छठवां है, इसमें क्या बोला है, उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण के कार्यवाही संपादित की जाएगी। मतलब जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसी समिति द्वारा किया जाएगा, और वो मैंने बता दिया कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या लिया जाता है। तो वो आपका दिया गया है, जो नोटिस में भी दिया गया था कि जो आपके सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और SC जो है उन सभी के लिए हाइट कितना चाहिए, 163 सेंटीमीटर, और जो ST हैं जनजाति हैं उनके लिए क्या चाहिए, 156 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी। उसी दिन होगा जिस दिन DB आपका होगा, PST भी, ठीक है। और ये शेड्यूल बनाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सबका हो जाएगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलता है। सेना के बाद में बात किया गया है, तो जो आपका सामान्य है और अन्य पिछड़े वर्ग हैं और अनुसूचित जाति हैं, मतलब जनरल OBC और SC के लिए आपका न्यूनतम सीने का माप 77 होना चाहिए, उसके बाद आपका 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। कितना चलना चाहिए, देखो यहाँ लिखा भी है टिप्पणी करके कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है। आपका सीना कितना भी हो, 90 हो, 95 हो, 97 हो, 100 हो, उससे मतलब नहीं है, 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है, ठीक है। नहीं फूलेगा तो आप बाहर कर दिए जाओगे। साथ ही साथ अगर हाइट में महिलाओं की देख लिया जाए तो फीमेल कैंडिडेट की बात किया गया है, जनरल OBC और SC के लिए 150 सेंटीमीटर है और ST फीमेल के लिए आपका 145 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। महिलाओं में वजन है, सीने से कोई रिलेशन नहीं है, वजन न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम हुआ तो बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, ठीक है, कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ चेक होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद से आपका इसका एक लिस्ट जारी किया जाएगा कितने लोग DBPST में क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, उसके बाद से वो लिस्ट जब आ जाएगी तो फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, और ये भी बताया गया है जो नोटिफिकेशन में एक चीज थी कि अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो PST हो रहा है आपका, अगर PST के टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी हाइट ऑन अप्रोक्स मैंने नापा था तो 163 थी और यहाँ पे लोग नाप रहे हैं तो 162 आ रही है, तो आप उसी समय पर उसका विरोध कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, मेरा फिर से PST कराया जाए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाए। तो फिर वहीं पे आपको रोक लिया जाएगा, ठीक है, और शाम के समय में ही उसी दिन फाइनल कर दिया जाता है आपको। और भी बड़े अधिकारी आएंगे, उनके देख रेख में आपका PST होगा, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, फिर उनके देख रेख में जब आपकी PST होगी और जो वहां पर निर्णय लिया जाएगा वही लास्ट निर्णय होगा, उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो कि री एग्जाम कराया जाए, तो मेरा PST बाद में कराया जाए। साथ ही साथ अगर किसी को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट दी जा रही है DBPST की, उस दिन अगर किसी को समस्या है, नहीं पहुंच सकता है, तो पहले जाके उस बोर्ड पर जहां उसका पड़ा हुआ है उस जोन पर जाके उसे सूचित करें कि मुझे ये समस्या है, हो सकता मैं ना आऊं, तो हो सकता है बोर्ड आपकी बातों को संज्ञान में ले और आपकी DBPST किसी और दिन शेड्यूल कर दे। तो ये सब चीजें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसे ही कुछ डेट के बारे में जानकारी मिलती है हम आपके सामने फिर से लाइव हो गए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।